हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल सीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो गूगल सीट की है। यहां पे देख सकते हैं, यहां पर जो है एमपी लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पर ड्रॉप डाउन में। अगर मैं एमपी से यहां राजस्थान चूज कर लेता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे जोधपुर आने लगा, देख सकते हैं। और अगर मैं यहां से यूपी चूज कर लेता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि यूपी के जो तमाम नाम है वो यहां पे शो होने लगेंगे। आपको नीचे देखिए ड्रॉप डाउन के अंदर यूपी के ही सिटीज के तमाम नाम यहां पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं फिर इसे चेंज करता हूं, इसे झारखंड कर देता हूं, तो आप देखेंगे नीचे कि झारखंड के ही नाम आपको शो होंगे, ठीक है। यहां पर देखिए झारखंड का नाम जो है शो हो रहा है, झारखंड के सिटी का नाम। फिर यहां से मैं अगर चेंज करता हूं, एमपी कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि यहां पे एमपी के ही सिटीज के नेम शो होने लगे। तो ये डिपेंडेबल ड्रॉपडाउन कैसे मैंने बनाया, आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि गूगल शीट में इस तरह का डिपेंडेंट ड्रॉपडाउन अगर आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसी डेटा को उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसी को ले जाकर फिर पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे शीट नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग काम करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ और ये जो है स्टेट का नाम है, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट, ठीक है। और ये जो है सिटीज है, रिलेटेड सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिफरेंट कलर भी इसे हाईलाइट कर देता हूँ डिफरेंट कलर से, ताकि आपको देखने में सुविधा हो, आसानी से आप देख सकें, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी ड्रॉपडाउन बने जो डिपेंडेंट हो, यानी कि जब उस ड्रॉपडाउन के अंदर हम यूपी सेलेक्ट करें तो सिर्फ यूपी के ही सिटीज के नाम दिखाई पड़े। अगर हम एमपी सेलेक्ट करें तो एमपी के ही सिटीज के नेम दिखाई पड़े। अगर बिहार सेलेक्ट करें तो बिहार के ही सिटीज के नेम दिखाई पड़े, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक ड्रॉपडाउन बनाना है। कैसा ड्रॉपडाउन बनाएंगे हम, तो यहां पे कर्सर को रखेंगे और सबसे पहले यहां डाटा टैब पे जाएंगे। और डाटा टैब पे जाने के बाद यहां से डेटा वैलिडेशन आपको दिख रहा है, यहां पे आ जाइएगा और फिर यहां ऐड रूल पे चले जाइएगा। जैसे ही आते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा ड्रॉपडाउन। तो आप इस ड्रॉपडाउन पे ना जाकर के कहां जाइएगा, ये देखिए ये दिया हुआ है ड्रॉपडाउन फ्रॉम अ रेंज, तो आपको यहां पर जाना है। तो ये आ गए ड्रॉपडाउन फ्रॉम अ रेंज। अब इस वाले बॉक्स में कर लीजिएगा क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको क्या करना है, ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। लेकिन रुकिए, अगर आप ये चाहते हैं कि इस रेंज को आप इंक्रीज करें तो इसमें ऑटोमेटिक ये स्टेट और सिटीज के नाम इंक्लूड होते रहे, तो यहां पर ये जो रो नंबर है इसको हटा दीजिए, ठीक है। सिर्फ कॉलम ही रखिए लास्ट में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कॉलम ही रखना है लास्ट में और यहां पर ओके करना है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसको। अब क्या करना है, यहां से आपको ओके करना है, ठीक है। यहां पर देखिए एडवांस ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो रिजेक्ट इनपुट पे टिक है, ठीक है। और यहां पे मैं डन करता हूं इसे, और ये डन कर दिया तो यहां पर अब आप देखेंगे कि एक ड्रॉपडाउन आपको मिल रहा है, जो स्टेट के नेम है वो यहां पे दिखाई पड़ने लगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, देखिए यहां पर हम लगाएंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब हम यहां पे यूपी सेलेक्ट करें तो यहां पर हमें सिर्फ यूपी के सिटीज के नेम ही दिखाई पड़े। तो इसके लिए क्या हो सकता है, कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहां पर आना है और यहां पर एक फॉर्मूला आप लगाइएगा, अप्लाई कीजिएगा फिल्टर का फॉर्मूला ये अप्लाई किया, तो ये फिल्टर का जो फॉर्मूला है उसे लगाया हमने। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम ये चाहते हैं कि सिटीज के नेम आए, सिटीज के, ठीक है। जब हम यहाँ पे जो सेलेक्ट करें उसके हिसाब से सिटीज के नेम आए, तो हम इतना सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां से ये हटा देते हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको और रो नंबर उसको हटा दीजिएगा, फिर कॉमा लगाइएगा, फिर अब स्टेट के नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये पूरे स्टेट के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे ही स्टेट के नाम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहां से भी रो नंबर हम हटा देंगे। रो नंबर हटाने के पीछे कारण ये है कि हम चाहते हैं कि इस कॉलम के अंदर अनलिमिटेड रोज तक ये जा सके, ठीक है, जहां तक हो, ठीक है। और फिर इक्वल्स टू लगाइएगा और अब यहां पर जो स्टेट सेलेक्ट हो उसके मुताबिक हमारा ड्रॉपडाउन आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर यूपी है, तो यहां पर लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, बाराबंकी आ रहा है ना। अगर मैं इसको चेंज करता हूं और एमपी कर देता हूं तो आप देखेंगे इटारसी, सतना, मैहर आ रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं चेंज करता हूं तो राजस्थान, एक ही है राजस्थान का जोधपुर, हमने वही लिखा हुआ है, तो यहां पे देख सकते हैं एक ही स्टेट और सिटी का नाम यहां पे है। अब यहां पर अगर मैं फिर चेंज करता हूं, झारखंड कर देता हूं, तो यहां पे रांची आ जाता है। तो ये चीज तो हो गई, अब हमको क्या करना है, यहां पर ये काम तो हो गया हमारा, अब हमको करना क्या है, यहां पर आना है और एक और हमें क्या बनाना है, ड्रॉपडाउन बनाना है। ड्रॉपडाउन बनाना बहुत आसान है, ये जाएंगे डाटा टैब पर, डाटा टैब आपको दिख ही रहा होगा, ये डाटा टैब पे जाइएगा
और डाटा टाइप पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सीधा सीधा चले जाना है कहां पे, डाटा वैलिडेशन पर। तो अभी हमें जाना है डाटा वैलिडेशन पर, तो आते हैं डाटा वैलिडेशन पर, आ गए। अब यहां पर आपको ऐड रूल दिखाई देगा, तो क्लिक कर दीजिएगा इस पे, और यहां पर ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का आएगा। अब इसमें करना क्या है, कैसे करेंगे, तो यहां पे जो ड्रॉप डाउन दिखाई देगा ना, ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा, और यहां पर आपको चूज करना है ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज, तो बस फ्रॉम अ रेंज सेलेक्ट कीजिएगा और यहां इस बॉक्स के अंदर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे इस बॉक्स के अंदर क्लिक करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि यहां पर जो सिटीज के नेम आ रहे हैं उन्हीं के ड्रॉप डाउन आप बना दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर जो है सिटीज के जो भी नाम आएंगे उन्हीं का ड्रॉप डाउन हमें चाहिए, जैसे मान लीजिए यहां पे यूपी हो तो यहां पर ड्रॉप डाउन हमें यूपी वाला ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं इतना हिस्सा, ठीक है, और यहां से इसको हटा देंगे, ठीक है, रो नंबर हटा देते हैं। अब रो नंबर हटाने का एक खास फायदा है, अभी आपको समझ में आएगा कि इसका क्या एडवांटेज है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। रो नंबर अगर आप हटा देते हैं तो इसका कितना बड़ा एडवांटेज है, ये अभी आपको समझ में आएगा। अब यहां से क्या करना है, आपको यहां से ओके करना है, ठीक है। ओके जैसे ही किया तो यहां पर देख सकते हैं ये इस तरीके से आ गया है, अब इसको ओके कर देंगे। अब ओके हो गया, अब जरा देखिएगा कमाल, कमाल क्या है समझिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। यहां पर जैसे ही हम यूपी के बजाय एमपी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर आते हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एमपी के सिटीज के नेम दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, चलिए ठीक है। यहां पर क्या करते हैं, यहां पे यूपी कर देते हैं, तो यूपी जैसे ही किया हमने, तो अब आप देखेंगे कि यहां पे यूपी के सिटीज के नेम दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, देखिए, ठीक है। और यूपी को हटा करके जैसे ही राजस्थान करेंगे तो यहां पे राजस्थान के सिटीज के नेम दिखाई देंगे, देखिए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। और अगर झारखंड करते हैं तो यहां पे झारखंड की सिटी के नाम दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन बनाना बड़ा आसान है, ठीक है, बस एक बार आपको ध्यान से प्रैक्टिस करना है। अब जरा देखिए, अब यहां पर कमाल देखिएगा, ये मैं चाहता हूं ना कि ये सेम फॉर्मेट जो है नीचे भी अप्लाई हो जाए, क्योंकि मैं रेंज बढ़ाना चाहता हूं इसकी, तो यहां पर जाकर के पेंट फॉर्मेट मिलता है ये ऑप्शन, यहां पे जाकर के और इसको इस पे चला दीजिएगा, ठीक है। इतना और इंक्रीज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि बिहार में, बिहार यहाँ पे एक और इंक्लूड करते हैं हम, और बिहार के एक और जो सिटी है उसका नाम यहाँ पे डालते हैं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं पटना, PATNA पटना हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे आते हैं और इसमें हम चाहे तो और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, जम्मू जम्मू, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं कटरा कटरा, ठीक है, तो ये कटरा कर दिया। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जैसे ही आते हैं तो ये सारे नेम ऑटोमेटिक अपडेट हो जा रहे हैं। अगर मैं जम्मू सेलेक्ट करता हूं तो अब आप देखेंगे यहां पे कटरा ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर मैं चेंज करता हूं, बिहार कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि बिहार के सिटी का नाम पटना ही आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए और भी बिहार की सिटीज हो, तो यहां पर हम इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं, यहां पे कॉपी पेस्ट करते हैं और यहां पे चेंज कर लेते हैं, यहां पे तो पटना रहेगा नहीं, एक बार तो दे चुके हैं। अब मान लीजिए सिवान है, तो सिवान कर दिया हमने, ठीक है। मान लीजिए यहां पर वाराणसी है यूपी में, तो यहां यूपी किया और यहां पे आए और यहां पे क्या कर देंगे, वाराणसी कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिखता हूं वाराणसी, ठीक है, तो ये वाराणसी लिख दिया। अब हम वापिस आते हैं अपने ड्रॉप डाउन पर और यहां पर यूपी सेलेक्ट करते हैं, तो आप पाएंगे कि यहां पर आपको वाराणसी भी इंक्लूड होता हुआ मिलेगा, देखिए यहां पर वाराणसी भी इंक्लूडेड है इसमें, है कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ये बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं कि ये डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो इसको लेकर के तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उत्तर दूं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।